घोसी उपचुनाव में बड़े बड़े दावे करने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मिली हार के दर्द के बाद अब धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं और अपने पुराने तेवर में वापस नजर आ रहे हैं। वहीं हर बार की तरह वो अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। साथ ही सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी कही है। ये सब ईडी सीबीआई के डर से इकट्ठा हुए हैं। आज की तारीख में देश में मोदी जी के मुकाबले कोई भी कैंडिडेट तैयार नहीं है। विपक्ष में भी अभी कोई तैयार नहीं, चाहे जो जितना चिल्ला ले। और क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, आप भी सुनिए। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई। सीख लें, बगल के प्रदेश है बिहार, मुख्यमंत्री तो काल में बजट अलाट कर दिया, आदेश कर दिया जनगणना। इसी नाते शिवपाल जी कहते हैं कि अखिलेश जी अभी अपरिपक्व नेता हैं, सिर्फ बयान ट्विटर पे देना, ये भी तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में पार्टी थी ना, बहुजन समाज पार्टी समर्थन में, केंद्र में रक्षा मंत्री थे नेताजी। उस समय इन लोगों ने जो कमी आज नजर आ रही है, जो क्रिटिसाइज हो रही है, तो उस समय इन लोगों को लागू करना चाहिए था, इन लोगों ने तो किया नहीं। और देखिए अब विरोधी पार्टी के लोगों का विरोध है कहा है ना, इसको कहा करो। अच्छा आप बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी में कह रहा हूँ, आप उठा के देखो, सारे नेता विपक्ष के लोग ईडी सीबीआई से क्यों डरते हैं? हम तो चुनौती देते हैं, हम भी 18 महीना सरकार में थे, हम तो नहीं डरते ईडी सीबीआई से। जिसके मुंह से सुनिए, चाहे ममता जी को सुनिए, चाहे लालू जी को सुनिए, चाहे अखिलेश जी को सुनिए, चाहे किसी को सुनिए, सब ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई के डर से न गोली आए हैं। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।